हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको गोवान्स चिकन करी की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। चिकन गोवान्स करी के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैंने 3 बड़े टमाटर काट लिए हैं, 1 बड़ा कांदा काटा है, नारियल का छोटा पीस लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया है, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने, और 1 लेमन साइज़ का टुकड़ा लेके इमली का पानी में भिगा के रख दिया है, और 1.5 चम्मच मैंने गोवान्स करी मसाला लिया है। अभी बनाने का चालू करते हैं। सबसे पहले हम कांदा टमाटर नारियल का पेस्ट बना लेते हैं। मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है इसमें, और अभी मैं इसमें लौंग इलायची दालचीनी से बघार दे दूँगी, और इसमें मैं कांदा डाल के फ्राई करूँगी। कांदा फ्राई हो गया है, अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, उसके बाद में जो मसाला हमने पीस कर रखा है वो, और जो हमारा पाउडर मसाला है वो सब इसमें ऐड करके पका लेंगे। देखिए मैंने सब पिसा हुआ मसाला और पाउडर मसाला सब मिक्स कर लिया इसमें, और अभी हम इसको अच्छा से पकाएंगे तेल छूटने का, और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए मसाला हमारा पकने लगा है, अभी हम इसमें चिकन डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे उसमें, और फिर पानी और इमली ऐड करके उसमें नमक ऐड करके उसको 2 सीटी के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने चिकन को थोड़ा फ्राई कर लिया है, अभी मैं इसमें पानी एडजस्ट कर लूँगी और थोड़ा इमली का जूस भी इसमें ऐड कर दूँगी, और नमक टेस्ट के अनुसार हम इसमें डाल के 2 सीटी लगा लेंगे। तो देखिए हमारी चिकन करी बन के तैयार हो गई है, कितनी कलरफुल लग रही है और इतनी टेस्टी भी है। अभी हम इसको धनिया और कड़ी पत्ता डाल के गार्निश कर देंगे। तो देखिए हमारी गोवान्स चिकन करी बनके रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी है, जल्दी बन जाती है। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ में एंजॉय कीजिए। चिकन गोवान्स करी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।